वेलकम बैक। आपको बताएंगे, बिलावल भुट्टो और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ में इलेक्शन कमीशन अराकीन की तकर्री पर भी गुफ्तगू हुई है। यह हम रब्ता था, बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के रबते में इलेक्शन कमीशन की अराकीन के तकर्री पर भी गुफ्तगू हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान ये टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस रब्ते में मुल्की मजमू सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। और इसके साथ साथ जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान इलेक्शन कमीशन के जो अराकीन की तकर्री का मामला है उसके ऊपर गुफ्तगू की गई है। और इसके साथ जो मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है। और आइंदा जो जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है 13 सितंबर को, उसमें शिरकत के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। लेकिन मेन जो एजेंडा था जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने बातचीत की है वो इलेक्शन कमीशन के जो दो अरकान हैं उनकी तकर्री के हवाले से तबादला ख्याल किया है कि जल्द उसके नाम जो है वो मुत्तफिका तौर पर जो है वो सामने लाए जाए और अपने अपने नाम दिए जाए, फिर उनमें से एक नाम जो है वो उसको सिलेक्ट करके तो हुकूमत को भिजवाया जाए। तो मेन जो तबादला हुआ है वो चीफ इलेक्शन जो मेन तबादला हुआ है वो इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के मामले पर हुआ है, लेकिन दीगर मजबूत सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। जी ठीक है यासिर, शुक्रिया आपका।